हरदोई में आयोजित कार्यक्रम विवादों में घिरा रहा। मंत्री के कार्यक्रम को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया था, वहीं जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। इसके विरोध के स्वर मुकर हुए थे और भाजपा के 20 पदाधिकारियों में करीब 14 पदाधिकारियों ने मंत्री से कार्यक्रम निरस्त करने की मांग की थी, लेकिन मंत्री जी तो सुरेश खन्ना वहां कार्यक्रम में पहुंच गए। कार्यक्रम में मंत्री ने दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए जाए और अपनी सरकार के 4 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। इस दौरान मंत्री ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बयान पर भी निशाना साधा और कहा कि अखिलेश खोई जमीन वापस पाने के लिए बिना वजह की बयानबाजी कर रहे हैं। और हमारी केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि हम उनके जीवन को आसान बनाने के लिए, उनको सुविधायुक्त बनाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे और हर प्रकार से हम उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह से विकलांगों का पुनर्वास हो, उनकी अक्षमता उनकी। देखिए, ये अखिलेश यादव के पास कोई काम तो है नहीं, वो तो किसी तरह से अपनी खोई हुई ज़मीन तलाश कर रहे हैं। उनको ये चाहिए कि रचनात्मक उनकी सोच हो और रचनात्मक कार्यों में भाग लें और इन बयानबाजी से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे वोट नहीं बढ़ते। अच्छा, एक सवाल और है, उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी तो वो जन्माष्टमी, नमाज और सारी चीज़ों के लिए 5 लाख रुपए देंगे, इस पर क्या रिएक्शन है? उनसे कहो कि जब वो सत्ता में थे तब तो उन्होंने किया नहीं, तब तो जन्माष्टमी बंद करवा दी, तो इसलिए इनसे कहो झूठे वादे और झूठे नारों से भी जनता बरगलाने वाली नहीं है। अब जनता मोदी जी जैसे लोगों को, ऐसे लोगों को जो वास्तव में इस देश को दिशा दे सकें और इस देश का मान सम्मान बढ़ा सकें, इस देश के आम आदमी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकें, ऐसे लोगों के साथ जनता जुड़ गई है। कल अभी सर्वे आया है, उसमें 63% लोगों ने मोदी जी के कामों को पसंद किया। अच्छा, चाहिए सर एक सवाल और है, क्योंकि आपने अभी मन से रचनात्मक कार्यों की बात की, आपकी ही पार्टी के तमाम लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम का विरोध किया, क्या गायत्री प्रजापति ऐसे लोग कार्यक्रम आयोजित? SPN 9 न्यूज के लिए हरदोई से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।